हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल्स के एप्लीकेशंस को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे फोन्स में कुछ ऐसे फोटोज़ और सिक्योर वीडियोज़ होते हैं जो कि हम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ ऐप लॉक सर्च करनी है। ऐप लॉक सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, जिसमें से आपको ऐप लॉक फिंगरप्रिंट या एप्लीकेशन शो कर रहा है, उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखी तो इसे सिंपल सी ओपन की ऑप्शन आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी इसको ओपन करके बता दे रहा। तो ये रहे हमारे फोन्स की ऐप लॉक एप्लीकेशंस। तो सिंपल सी मैं आप इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये हमने पासवर्ड लगा रखी है, इसलिए पासवर्ड मांगा है। तो सिंपल सी मैंने ऐप लॉक एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस का साइन दिख रहा होगा, तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे वो इसमें शो कर जाएंगे। तो जिसमें से शो करेंगे, तो सिंपल से आप यहां से क्लिक करके आप अपने फ़ोन की सारी एप्लीकेशन पे लॉक कर सकते हैं। लेकिन हमको यहां सारी एप्लीकेशन को लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कि हमारे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होंगे हम उसको लॉक करेंगे। अगर आपके सारे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो तो आप सारे में लॉक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन को चूज कर ले रहा है जिसको मेरे को लॉक करनी है। तो हम सिंपल से फेसबुक को ऑन कर लेंगे, फ्री फायर को ऑन कर लेंगे, जीमेल को ऑन कर लेंगे, अपने फ़ोन्स की गैलरी को ऑन कर लेंगे, हम व्हाट्सएप को ऑन कर लेंगे, मैसेंजर को ऑन कर लेंगे। आपको जिस जिस एप्लीकेशन को लॉक करने हैं उसको ऑन करके यहाँ से फिर से प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है। प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेटिंग्स पे आनी है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आप बहुत से पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे लॉक टाइप पर क्लिक कीजिएगा तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, पैटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर सेकेंड ऑप्शन देखिएगा तो यूज फिंगरप्रिंट। तो अगर आप फिंगरप्रिंट के साथ स्कैन करना चाहते हैं तो सिंपल से आप यहाँ फिंगरप्रिंट्स को ऑन कर सकते हैं। फिर अगर आप फेस आईडीज के साथ लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ फेस आईडीज को भी ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो चलिए दोस्तों, सिंपल से हमारे फ़ोन हमने एप्लीकेशन पर लॉक लगा ली है। सिंपल से हमने एप्लीकेशन पर लॉक लगा रखे। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा है वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमने अपने व्हाट्सएप पर लॉक लगाया था, मैं सिंपल से ओपन करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ जा रहे हैं, स्कैन योर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप कैंसिल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लगेगा। तो चलिए मैं पासवर्ड पर क्लिक करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आज खुल गया मेरा व्हाट्सएप। तो चलिए मैं अब आपको फिर से फिंगरप्रिंट के साथ बता दे रहा हूँ। तो सिंपल से मैंने मैसेंजर्स पर लॉक लगाया था, तो मैसेंजर्स को ओपन करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पासवर्ड फिंगरप्रिंट मांग रहा था, हमने फिंगरप्रिंट चेंज किया और ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।